नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं पटना वेटनरी महाविद्यालय के एलपीएम डिपार्टमेंट में, जहां पर हमारे साथ एलपीएम डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण सिंह सर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दीप नारायण सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद सर। हम लोग अक्सर देखते हैं किसान भाइयों की जो गाय होती हैं, जो पशुपालक होते हैं, तो गायों में जो है एक पूंछ गलने की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो ये समस्या के कारण क्या होते हैं और ये समस्या क्यों होती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। ऐसा है, पशुओं में यह पूंछ गलन रोग, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में डेगनाला रोग भी कहते हैं, यह सिलिका एक खनिज तत्व है, इसकी मात्रा रक्त में ज़्यादा होने के कारण होती है। यह सिलिका के वजह से का जो प्रमुख कारण है, यह पशुओं में जब हम पुआल खिलाते हैं ना, धान का पुआल, तो इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यह पूंछ गलन रोग जो है पशुओं में फैलता है। विशेष रूप से गाय या भैंस जो है इससे काफ़ी प्रभावित होती हैं। और गांव में आपने देखा होगा, बहुत से जो गांव के लोग भी हैं उसका उपचार भी करते हैं इस पूंछ गलन का, लेकिन जो उनका उनको यह कारण जो एक्चुअल कारण पता नहीं होता है। कारण क्या है कि गांव में चूंकि धान की फसल कटने के बाद जो है पुआल की मात्रा भरपूर होती है, तो लोग जो है पुआल जो है पशुओं को अपने खिलाते हैं, हरा भी खिलाते हैं और सूखा पुआल भी खिलाते हैं। तो इस पुआल के कारण ही जो है ये दो तरह की समस्याएं पशुओं में होती हैं, एक तो जो है पूंछ गलन रोग और दूसरा जो प्रमुख समस्या है वह गर्भाशय का बाहर निकलना। यह भी समस्या पशुओं में काफ़ी कॉमन है। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो पुआल है, पुआल जितना कम से कम हो सके अपने पशुओं को खिलाएं। और विशेष रूप से यदि आपके पास संकर नस्ल की गायें रखे हुए हैं आप, तो उनको कदापि ना खिलाएं, क्योंकि जो है उनमें जो है यह जो पूंछ गलन की जो संभावना है काफ़ी अधिक होती है। साथ ही साथ जो है ब्याने के बाद या जो है जब पशु गर्भस्थ कंडीशन में होता है, गर्भित होता है, तो उस समय जो है उसके गर्भाशय के बाहर निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें जो है पुआल खिलाने से बचना है। अब पुआल के साथ यदि आपके पास कोई चारा उपलब्ध ना हो, तो पुआल के साथ आप जो है कोई भी हरा चारा और जरूर मिक्स करके खिलाएं, साथ ही मिनरल मिक्सचर खिलाएं, ताकि इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सके और जो है पशु को जो है डेगनाला रोग से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।